कभी कभी और उमराव जा जैसी फिल्मों के म्यूजिक कंपोजर खयाम नहीं रहे, लेकिन अपने गीतों के जरिए वो सदा हम सभी के बीच रहेंगे। खयाम की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो पत्नी जगजीत कौर से पहली बार दादर रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज पर मिले थे। चंडीगढ़ के रसूखदार परिवार में जन्मी जगजीत प्लेबैक सिंगर बनने का सपना लिए मुंबई आई थी। एक शाम जब वो दादर रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज से गुजर रही थी तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जगजीत सतर्क हो गई और अलार्म बजाने वाली थी कि वह शख्स उनके करीब पहुंच गया और अपना परिचय म्यूजिक कंपोजर खयाम के रूप में दिया। 1954 में हुई इस मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती हुई जो जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई।